ऑनलाइन ठगी कर लोगों के बैंक खातों से राशि आहरित करने के मामले में साइबर नोडल थाना कोतवाली बालाघाट के द्वारा साइबर सेल के माध्यम से त्वरित कार्रवाई करते हुए नगर के ऐसे 3 फरियादियों को उनकी राशि वापस दिलाई गई। राशि वापस मिलने से फरियादियों में खुशी की लहर दौड़ गई और उनमें पुलिस प्रशासन के प्रति विश्वास भी जागृत हो गया है। इन व्यक्तियों से फोन पे, पेटीएम वॉलेट पर कैशबैक प्राप्त होने, फोन पे कस्टमर केयर कर्मचारी बनकर एवं परिचित व्यक्ति बनकर ई वॉलेट्स पर पे रिक्वेस्ट भेजकर धोखाधड़ी पूर्वक यूपीआई पिन डलवाकर बैंक खातों से राशि अज्ञात व्यक्ति के द्वारा आहरित की गई थी। पुलिस थाने में तत्काल शिकायत प्राप्त होते ही पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई करते हुए 158,984 रुपये की राशि पीड़ितों को वापस दिलवाई गई। जिन व्यक्तियों के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी कर बैंक खातों से राशि आहरित की गई थी उनमें बालाघाट निवासी राजेश नकपुरे को अज्ञात व्यक्ति के द्वारा कॉल करके फोन पे कर्मचारी बनकर 4,999 रुपये का कैशबैक प्राप्त होने का कहकर फोन पे पर लिंक भेजकर धोखाधड़ी पूर्वक 92,984 रुपये आहरित कर लिया गया था। वहीं दूसरे फरियादी लामता परसवाड़ा निवासी राहुल पटले को अज्ञात व्यक्ति के द्वारा फोन पे कर्मचारी बनकर कैशबैक प्राप्त होने की बात कहकर फोन पे पे लिंक भेजकर 16,000 रुपये की धोखाधड़ी की गई थी। वहीं तीसरे फरियादी बालाघाट निवासी विजय कुमार गांगुली को भी इसी प्रकार फोन पे पे लिंक भेजकर 50,000 रुपये की धोखाधड़ी कर उनके बैंक खातों से राशि आहरित कर लिया गया था। इन तीनों प्रकरणों में फरियादियों को उनकी राशि वापस दिलाने के संबंध में कोतवाली थाने में प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी देते हुए सीएसपी अपूर्व भलावी ने बताया कि अभी बहुत से प्रकरण ऑनलाइन धोखाधड़ी के सामने आ रहे हैं। फोन पे, गूगल पे ऐप के माध्यम से ऑफर का लालच देकर लिंक पर क्लिक करने के लिए कहा जाता है। कभी कभी बैंक वाले बनकर फोन कर लोगों के बैंक खातों से राशि निकाली जाती है। जिन्होंने तत्काल साइबर सेल में सूचना दी ऐसे 3 व्यक्तियों की राशि को वापस दिलवा दिया गया है। जनता से यही कहना है कि अपनी पर्सनल जानकारी कहीं भी शेयर नहीं करनी चाहिए और अगर कहीं कोई फ्रॉड होता है तो घबराने के बजाय उसकी तुरंत सूचना साइबर सेल या पुलिस में देनी चाहिए। वो बताते हैं कि हम आप लिंक पे क्लिक करो तो बैंक वाले फोन बनवासी ओटीपी आए हम करने की धमकी देते हैं होता है वो कई बार और अपना ओटीपी और पस तो इन लोग इन्फॉर्मेशन का यूज कर लेते हैं। तो हमारे ऐसे 3 प्रकरण वैसे भी रिकवरी करवाई थी। राहुल पटले, विजय गांगुली हैं, ऐसे हैं लोग। पास रिक्वेस्ट आई थी कि आप ये ऑफर आपको मिलेंगे तो आपको ये इतने और बकायदा लो एक लिंक भी दें। लिंक पे क्लिक करते हैं तो जितने भी अकाउंट में पैसा होगा पूरा उस फायदा क्योंकि ऐसी कोडिंग करके जनरल व्यक्ति समझ नहीं पाता एक तरीके से मतलब ये काम। इसमें हमने मतलब बेसिकली रिटर्न हुए जैसे ही खाते से पैसा साइबर सेल को हमें सूचित किया तुरंत हमारी संबंधित कंपनी जुड़ी और पैसे इनके तुरंत होल्ड में। मैं सभी को ये बताना फ्रॉड होता है तो विद इन 15 मिनट के अंदर ही अंदर सेल को सूचित तो कर ही नहीं सीधे ट्रांजैक्शन पैसा जितनी जल्दी हो रिकवरी के चांसेस रहते हैं। तो आजकल ये फ्रॉड है कि आपसे ट्रांजेक्शन से हमें दिया और किसी पैसा जाके निकाल लिया उनके हाथ में आ जाता है तो वो फिर दूसरे स्टेट में जाके रिकवर आप लोग तत्काल हम आपका पैसा रिफंड करवा सकते। साइबर सेल का इसके लिए साइबर सेल की नंबर है तो उनको इसमें लिखा होगा साइबर सेल का नंबर आपको बोल दिया। अगर तत्काल विड्रॉल करेगा तो वो कभी भी अपने खाते में लेता नहीं तो वो 2-3 माध्यमों से या 2-3 ऐसे थर्ड पार्टी एप्स का इस्तेमाल करके ही वो पैसा इधर उधर करता है तो हमें उतने बीच में समय मिल जाता है। और हमारी साइबर सेल काफी एक्टिव है, हमारे जो मेंबर्स हैं यहाँ पे यूपीआई का काम देखते हैं इनके ईमेल तत्काल जाते हैं उस कंपनी को और पैसा होल्ड हो जाता है। तो हमें मतलब सबसे पहले हमें सूचना दे देनी है तत्काल कि आप हमसे ये हो गया है क्योंकि फ्रॉड अपन ही ओटीपी बताते हैं। सबसे बड़ी गलती इसमें कस्टमर की हो जाती है वो लालच में आके। कोतवाली थाने में मौजूद पीड़ित युवक राजेश नकपुरे ने बताया कि साइबर नोडल थाना कोतवाली के माध्यम से वापस मिली राशि को पाकर वह उसे बहुत ही खुशी हुई है। मेरे साथ लगभग अभी 3-4 महीने पहले फोन पे पे कैशबैक ऑफर आया था उस लिंक से मैं थोड़ा सा जुड़ गया तो लिंक से जुड़ने के बाद क्या हुआ कि मेरे पूरे पैसे कट गए 99,000 रुपए मेरे कट गए थे। मैं तुरंत ही मतलब फिर साइबर ऑफिस आया मैंने कंप्लेन की तो मैंने कंप्लेन भी दर्ज कराई और उसके बाद में कार्रवाई हुई तो मेरे पैसे 2 दिन बाद रिटर्न आना चालू हो गया। किस प्रकार की गलती की थी आपने? उनकी कोई लिंक थी उस लिंक पे मैंने अपना पिन नंबर डाल दिया था उससे मेरे पैसे पूरे कर गए।